सबका प्यार और सपोर्ट देखकर हम लोग तो निहाल हो गए। मुझे लगता है लुधियाना का नाम बदलकर इश्मीत नगर रख देना चाहिए। जन जी, इससे पहले कि फिर एक बार हर्षित और इश्मीत यहाँ आकर परफॉर्म करें, हम सभी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में वॉइस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, या फिर ऐसे कहते हैं कि इन दोनों में से आपको किसकी आवाज और बेहतर लगती है, किसमें अपनी आन बान और शान है जो अपने पार्टिसिपेंट को जिता सके, ये निर्भर सिर्फ आप में है और ये सिर्फ आप ही लोग फैसला कर सकते हैं इसका, और आज के मंच में कैसा वो लोग जमाते हैं इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारे गुण उन दोनों में हैं जो एक प्लेबैक सिंगर में होने चाहिए। अलका जी, जहां आपको हर्षित की आवाज बहुत पसंद है, वहीं इश्मीत आपके पृथ्वी का एक मात्र जबरदस्त जाबाज सिपाही है, तो आप ही हमें बताएं कि इश्मीत और हर्षित से अगर आपको चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? शान, ये सवाल सही नहीं है, ये बात हो गई। अगर एक माँ से पूछा जाए कि उसके दोनों बेटों में से उसे कौन सा ज़्यादा पसंद है तो वो क्या जवाब देगी? जैसे कि हमारी दो आँखें हैं बराबर हैं, दो हाथ हैं बराबर हैं, दो पैर हैं बराबर हैं, वैसे इश्मीत और हर्षित मेरे लिए दोनों बराबर हैं। दोनों में अपने अपने गुण हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें हैं तो इश्मीत में दूसरी कुछ अच्छी बातें हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेमिसाल हैं अपनी अपनी तरह से। लेकिन आप ये याद रखिए कि इंसान के शरीर में दिल एक ही होता है और वॉइस ऑफ इंडिया एक ही बनेगा और वो आपके एसएमएस पे आधारित है। आज के परफॉर्मेंसेस के आधार पर जतन जी और अलका जी का दिल किस पर आता है, इश्मीत या हर्षित? फिर एक बार जोरदार तालियां अलका जी और जतन जी के लिए।